नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सातवें पे कमीशन की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है लोकसभा से, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टियों में कुछ बदलाव किया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि किन किन केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों, सैन्य कर्मियों तथा पेंशन भोगियों से संबंधित हर छोटी बड़ी ऑथेंटिकेटेड अपडेट जानने के लिए जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम लोकसभा में प्रधानमंत्री जी से प्रश्न संख्या 1821 में श्री पीआर नटराजन ने ये पूछा कि आप प्रधानमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से महिला कर्मचारियों को दिए जाने वाले शिशु देखभाल अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव में कुछ परिवर्तन आए हैं, और यदि आए हैं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे परिवर्तनों के पीछे तर्क क्या है, यानी उनके पीछे लॉजिक क्या है, इन परिवर्तनों की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, प्रश्न का उत्तर देते समय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया, जी हां, सिंगल मदर महिला कर्मचारियों के कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों को जानते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 11 दिसंबर 2018 की अधिसूचना के माध्यम से सिंगल मदर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कैलेंडर वर्ष में 3 चरणों में चाइल्ड केयर लीव का लाभ प्राप्त करने वाली शर्त को हटाकर इसे कैलेंडर वर्ष में 6 चरणों में कर दिया है। जी हां दोस्तों, जो अब तक 1 साल में 3 बार छुट्टियां मिलती थी अब उनको बढ़ाकर 6 बार कर दिया गया है। और दोस्तों, इसके अतिरिक्त सातवें वेतन आयोग ने यह पाया कि चाइल्ड केयर लीव एक कल्याणकारी कदम है और इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने लाभ के रूप में देखा। सरकार को लगा कि इसमें कुछ परिवर्तन होना जरूरी है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक रूप से प्रभावित कर्मचारी ही इस स्कीम का लाभ उठा सकें। इसलिए चाइल्ड केयर लीव के पहले 365 दिन के लिए 100% वेतन का भुगतान किया जाएगा कर्मचारियों को, और अगले 365 दिनों के लिए वेतन का 80% भुगतान ही किया जाएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को, जिनको जरूरत है, वो ही अगले 365 दिन की छुट्टियां लें। ये मानकर सरकार ने चाइल्ड केयर लीव में ये परिवर्तन किए हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेटर उपलब्ध हैं वीडियो के लिंक में, आप वहां से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।